Welcome to CAD tutorial. I am Prakash Kumar. In this tutorial, we learn something about revolve surface. मैंने इस बोतल को बनाने के लिए रिवॉल्व सरफेस का यूज किया हुआ है, ठीक है। हम इसे फिर से बनाएंगे आपके सामने, ठीक है। हमने इसका स्केच प्रिपेयर ऐसे किया है, आप देख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल करेंगे, ये हमने सिंपली एक लाइन ड्रॉ किया है और 5x5 का फिलेट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे देखते हैं फ्रेंड, ओके। सबसे पहले हम क्या आ जाएंगे, फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, देन पार्ट पे क्लिक करेंगे, देन ओके। हमारा व्यू ले लेंगे, व्यू चेंज कर लेते हैं, फ्रंट प्लेट, देन स्केच। क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं सिंपल। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, और एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि रिवॉल्व जब भी हम करते हैं एक सेंटर लाइन हमें बताना होता है एक्सिस के लॉन्ग, कि हम किस एक्सिस के लॉन्ग इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, ओके फ्रेंड। हम यहाँ पे फिलेट लगा देंगे स्मूथ कॉर्नर के लिए। फिलेट का बेसिकली यूज करते हैं स्मूथ कॉर्नर के लिए। हम यहाँ पर अगर 5 का फिलेट लगाना है 5 का लगा सकते हैं, ओके। देन इसको सेलेक्ट करेंगे, देन इसको सेलेक्ट करेंगे, देन इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट लाइन को, फिर देन इसको, देन इसको, देन ओके। अब यहाँ पर हमारा फिलेट क्रिएट हो गया, ओके। अब मुझे इसे रिवॉल्व कराना है, तो सरफेस पे क्लिक करेंगे, सरफेस पे जाकर रिवॉल्व फीचर पे क्लिक करेंगे। देखिए आपका ये बोतल क्रिएट हो गया, ठीक है। हम इसे डायमेंशन ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, स्केच में जाके हम इसका डायमेंशन बढ़ा देंगे, ओके। यहाँ पे एडिट स्केच करके हम इसका डायमेंशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रिवॉल्व करते हैं, एरर आ रहा है, स्केच को सिलेक्ट करने के बाद देन रिवॉल्व पर क्लिक किया जाता है, ये आपका बोतल क्रिएट हो गया। कुछ इसका ज़्यादा ही निकल गया कैप, और यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, यहाँ से ओके, देन बैक। ये आपका बोतल क्रिएट हो गया, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप का बनाना है, मैंने दिखाया था, ठीक है। हम कुछ भी ले सकते हैं, डायमेंशन जितना भी हमें चाहे हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से सरफेस में। हमें इसमें कैसे मटेरियल स्पेसिफाई, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मटेरियल नॉट स्पेसिफाई, तो इस पर सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट मटेरियल में जाएंगे, और यहाँ से हम इस बार लेते हैं आयरन या एलुमिनियम, कुछ भी एलुमिनियम की लेना है। तो इसमें अलग अलग ग्रेड होते हैं, क्योंकि जब हम कंपनी में मैनुफैक्चरिंग हम जब कस्टमर से हम लेते हैं तो हम बताते हैं कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किस तरह से हमें कौन सा मटेरियल से हमें क्या बनाना है। तो हम अगर एलवाई की बात करते हैं 1060 एलवाई ले लेते हैं, एलुमिनियम एलवाई, देन इसकी सारी प्रॉपर्टीज है, देन अप्लाई करना है, देन क्लोज करना है। आपका ये मटेरियल स्पेसिफाई हो गया, मतलब ये आपका 1060 एलवाई एलुमिनियम स्टील का ये आपका प्रिपेयर हो गया। ये सरफेसिंग से क्रिएट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब हमें इसका कलर वोट करना है, तो पार्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पर हमें ऑप्शन आएगा अपेयरेंस, अपेयरेंस के ड्रॉप डाउन मेन्यू को यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देन ये पूरे पार्ट पे मुझे लगाना है, ठीक है। पार्ट पे लगाना है तो आप पूरे पार्ट पे लगा सकते हो। अगर चाहते हो कि नहीं मैं सरफेस पे क्रिएट करूँ, तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप यहाँ पे अपीयरेंस में जाओ और सिर्फ यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से जाओ, यहाँ पे जाके क्लिक करो इस पे, ठीक है। सरफेस बताओ, कलर चूज कर लो, रेड हो गया, जो भी है इस तरह का है। तो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
कलर से मैंने ये दिखाया हुआ, तो आप इस कलर में देख सकते हो। वैसे जो यहाँ से अगर इसका हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कहाँ से चेंज करते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ पे बैक करते हैं मटेरियल, यहाँ से मटेरियल की, यहाँ से भी आप मटेरियल डाल सकते हो, ठीक है। सेंसेस में जाएंगे, सेंसेस में यहाँ पे बेसिक सेंसेस है, यहाँ पे अलग बैकग्राउंड हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप, अभी पीछे का बैकग्राउंड हमारा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने चीज़ों को दिखा सकते हैं, जब हमें अच्छे व्यू दिखाना होता है, प्रॉपर व्यू, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।